and welcome back to my channel Indian Mom and Baby Trubi and Sanu. Yes, ये देखो इन दोनों बच्चों ने मेरा जो रूम है उसको तबाही में बदल दिया है एकदम. वो देखो उधर एक खड़ी है, एक ये इधर. ठीक है, हाय बोलो. देखो एक तो गिरी. हाय हाय डेनी. बोले हाय गाइस. हाय गाइस. ये बाय बाय कर रहे हैं. सो गाइस, जैसे कि मैंने आज ही वीडियो गया, मेरा पिन कोड जो आ गया था और उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग खाने जाने वाले हैं. हम लोग खाने जाने हैं पिज्जा, क्योंकि मेरा P4 पिन कोड आया. P4. अरे यार मत करो उधम. देखो दोनों के दोनों ऐसे करें. तो हमने सोचा था सेलिब्रेट तो करना बनता है, और इन्होंने भी बोला था जब तेरा पिन कोड आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे. सो फाइनली मेरा सारा जो पेमेंट मेथड वगैरह था सब कुछ हो गया. तो P4 पिज्जा पार्टी हम लोग आज करने वाले हैं, क्योंकि P4 पिन कोड आया है मेरा. P4 मेरा पेमेंट मेथड फिल हो गया, P4 पिज्जा पार्टी हो जाएगा. सो गाइज, मैं अभी जस्ट बनाई है सोयाबीन आलू की सब्जी. सो प्लीज आप लोग इस सब्जी के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि ये मैं आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ. चाहो तो आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो. जो लोग प्याज वगैरह बिल्कुल नहीं खाते हैं उन लोग के लिए है ये. मतलब नॉर्मली भी अगर आप ऐसी बना के खाओगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी. सब्जी बहुत अच्छी बनी है. और जैसे मेरी आलू टमाटर की सब्जी पे मैंने बताया, वो टिप्स नहीं थी, वो जस्ट मैंने शेयर की थी. लोगों ने मुझे बोला कि अच्छी नहीं है, शकल पे मत जाइए, दिल पे जाइए. मतलब वो सब्जी की शकल भले ही कैसी थी लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी थी. इसी तरीके से ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है. आई होप आप लोगों को पसंद आए. तो प्लीज इंजॉय कीजिए मेरी आलू एंड सोयाबीन की सब्जी. तब तक मैं चलती हूँ पिज्जा के लिए लेके आप लोगों को. ओके, तो गाइस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये छोटा वाला सोयाबीन, जिसको मैंने गुनगुने पानी में आधा घंटे तक भिगो के रखा है. और दो तरह का सोयाबीन आता है, बड़ा और छोटा. मैं इसको अच्छे से 4-5 बार पानी में वॉश कर लिया है इसको मैंने, और ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. तो गाइस मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रिफाइंड लिया है, और इसमें मैं अपने सोयाबीन को जो है फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो इनका टेस्ट है वो अच्छा आए सब्ज़ी में. क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं और ये खाने में कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे नॉन वेज है, गीला होने पे, मतलब जब इनमें पानी भर जाता है. तो इसलिए मैं इसको यहाँ फ्राई कर रही हूँ, और ये मेरे फ्राई हो गए. ये देखिए इनका कलर चेंज हो चुका है. तो अब मैं इनको निकाल लूँगी, और थोड़ा कढ़ाई भी में लग गए हैं ये, तो कोई बात नहीं, मैं इनको निकाल लेती हूँ बाहर. ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी, इसी सेम कढ़ाई में मैं आलू जो मैंने धो के कट कर लिए हैं, ये मेरे कच्चे आलू हैं बिना बॉयल हुए, इनको फ्राई करूँगी इनमें सेम प्रोसेस से. इससे क्या होता है, सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है. उबले हुए आलू से भी बन सकती है, पर मैं कच्चे आलू से बना रही हूँ यहाँ पे. तो आप जैसा चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं. तो मेरी कढ़ाई में इसमें ऑयल है, क्योंकि आलू जो है ज़्यादा ऑयल नहीं लेता. मैं सेम कढ़ाई में ही अब सारा प्रोसेस करूँगी. तो पहले मैं ज़ीरा इसमें ऐड करूँगी, और ज़ीरे को अच्छे से भुनने देते हैं. और ये कढ़ाई में थोड़ा सोयाबीन जो था वो जो लग गया है, मतलब सोयाबीन थोड़ा चिपचिप हो जाता है सूखी जगह लगने पर, तो वो हो गया है. तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, ये मत बोलेगा कि गंदी है. अब यहाँ पे मैंने अदरक को कद्दूकस किया हुआ है, इसको अच्छे से घिस लिया है. तो अदरक इसमें डाला है मैंने, इससे टेस्ट अच्छा आएगा. और यहाँ पे 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने, इनको भी इसमें ऐड कर लिया है. इनको फ्राई करूँगी एंड अच्छे से इनको भून लिया जाएगा, ताकि जो मिर्ची का तीखापन है वो कम हो जाए, मिर्च तीखी ना लगे, एंड मसाले भी हो गए. अब इसमें मैंने ये 2 टमाटर की बड़े टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर लिया. आप चाहे तो मार्केट में जो टमाटो प्यूरी आती है वो ऐड कर सकते हैं. और ये मैंने कर ली है टमाटर, और ये सफ़ेद टमाटर मुझे भी नहीं समझ में आया कि टमाटर की प्यूरी सफ़ेद क्यों बनी. आई थिंक ये टमाटर थे वो थोड़ा कच्चे थे, मतलब रेड नहीं थे, प्योर हरे और रेड मिक्स थे, इसलिए ये सफ़ेद रही है. अब मैं इसको तब तक इसको फ्राई करूँगी टमाटो की प्यूरी को, जब तक ये साइड से ऑयल ना छोड़ दे. ये देखिए मेरी प्यूरी हो चुकी है. अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी. हल्दी डाल दी मैंने इसमें, अब डालूँगी धनिया पाउडर, नहीं मिर्ची डाल रही हूँ, सॉरी मिर्ची डाल दे रही हूँ. अब धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी,
और मेरी प्यूरी हो चुकी है, अब ये मसाले भी हो चुके हैं, इनको मिक्स कर लिया। ये देखिए प्यूरी अच्छे से हो चुकी है मेरी, ठीक है। एंड ये अलग पता चल जाती है जब प्यूरी हो जाती है ना, तो इस तरीके से इकट्ठा हो जाती है, वो फैलती नहीं है। अब मैं इसमें सोयाबीन ऐड कर दूँगी जो मैंने फ्राई किए हुए थे रिफाइंड में, और आलू भी डाल दूँगी इसमें, और अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। अपने स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कर सकते हैं। और अब इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया ये यहाँ पे अच्छे से। अब क्या करना है, इसमें मैं ऐड करूंगी वाटर यानी कि पानी, ठीक है, क्योंकि मुझे ये ग्रेवी वाली चाहिए, सूखी नहीं चाहिए। और आलू मेरे उबले हुए नहीं, कच्चे थे, तो वो गलेंगे नहीं, सिर्फ मैंने फ्राई किए हैं हल्के से वो। तो इसमें हल्का सा पानी, मतलब अपने ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, ज़्यादा सूखी भी नहीं चाहिए मुझे, तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड किया मैंने, तो इतना किया है। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी ताकि ये हो जाए। ये देखिए हम इसमें फोक एक लेंगे और इससे चेक करेंगे कि हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं कि नहीं। मैं बार बार फोक को लगा रही हूँ, ये नहीं हुए हैं, आलू वापस नहीं आ रहा है फोक में, तो ये नहीं हुआ। अब मैं यहाँ फिर से चेक कर रही हूँ, ये देखिए आलू इस तरीके से चिपक के आ गया है, तो यानी कि सब्ज़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने यहाँ पे धनिया, जो धनिया पत्ती थी उनको धो के अच्छे से कट कर लिया है, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब ये देखिए धनिया पत्ती डालने से ना सब्ज़ी का जो फेस होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है, मतलब ऐसे लगते हैं मुंह में पानी आ जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें मैंने वो ऐड कर दिया और ये मिक्स कर दिया इसमें, और मेरी सब्ज़ी हो गई रेडी बन के। अब मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को, हो गया। हाय गाइस, हाय सानू, हाय बच्चे, रिप्लाई हाय। मालूम है वहां से हाथ छोड़ के आया, वहां से अपने आप ही यहाँ अंदर जाऊंगा। डोमिनोज पिज़्ज़ा जी, टेनी टेनी आए जी, बैलून बैलून दे के पटाया, अभी रोई, बस रोई, बस अभी रोई। क्या हो गया, क्या हो गया टेनी? पापा हाय, पापा हाय, बांध के रखेंगे तो बैठ जाओ। क्या हो गया, वो नहीं बैठेगी, अब मैं बाद में बिठा दूंगी शांति से। हटो हटो, सानू बैठेगा, सानू सानू को बिठा दो। ये देखो हमारा छोटा बेबी, छोटा बेबी, देखा दादा बैठा है ना, तेनू दादा बैठा है ना, आप क्यों नहीं बैठी? ये देखो पापा बैठे बैलून पे, देने के बैलून पे पापा बैठ गए। नहीं ऑनियन नहीं, आप सिर्फ कैप्सिकम खाओ। तो आज मैंने लगाया यहाँ पे हेडफोन, सॉरी ईयरफोन, ठीक है, हेडफोन बोल बोल के आदत हो गई, और मोस्टली लोग ऐसे हेडफोन बोलते होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जिस किसी के भी मुंह से सुना है सब यही बोलते हैं हेडफोन हेडफोन। तो टैनी की वजह से मुझे लगाना पड़ता है। आज तो टैनी ने कमाल ही कर दिया, पूछो मत क्या किया उसमें, फिर मैं बता ही देती हूँ। चलो आप नहीं पूछोगे मैं बता देती हूँ। क्या होता है कि यहाँ पे पानी पीने के बाल्टियाँ रखी रहती है दो, स्टील की, और वो स्टील की थाली से ढक के रखे जाते हैं। तो मेरी सास ने धो के अच्छे से पानी वानी छान के, हम जैन लोगों में छान के पानी पीते हैं, तो छान के अच्छे से वहाँ रख दी। टैनी आई
और उसने थाली हटाई और हाथ धो दिया। जाने कहाँ से हाथ गंदे करके आई थी, क्या करके आई थी, पूरा पानी उसने साफ साफ जितना पानी था छना हुआ पानी उसने खराब कर दिया। तो मुझे देखती हंसी आई, मम्मी कहती देख क्या किया इसने, तो मुझे हंसी आ रही थी। क्या कर सकते हैं, बच्चे को डांट थोड़ी ना सकते, बच्चे छोटे। एंड आज मैंने नो मेकअप फेस है मेरा, क्यों, क्योंकि मैं कहीं जाने वाली हूँ, प्लान तो यही है कहीं जाने वाली हूँ, और आगे का कुछ पता नहीं है क्योंकि प्लान एक एक मिनट में चेंज हो जाते हैं, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं होता है। सो जस्ट अभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था, बहुत दिन बाद हम लोगों ने बात की, काफ़ी टाइम, क्योंकि आजकल हम बहुत बिजी हो जाते हैं और मैरिड फ्रेंड्स होते हैं ना वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड मैरिड है और उसका भी बेबी है, मेरा भी बेबी है, तो हम ज़्यादा बिजी हो जाते लाइफ में, तो बात नहीं हो पाती, मैं अपने यूट्यूब में, वो अपनी फैमिली में। मैं भी अपनी फैमिली में, ऐसा नहीं है कि वो जॉब वॉब नहीं करती अभी, जस्ट अपनी फैमिली में है तो उसको, और अकेली है वो तो ज़्यादा प्रेशर रहता है इसके ऊपर। गाइज, हाँ एक चीज़ क्लियर करनी थी कि मैं ये तो बता दिया कि मैं जैन हूँ, मैं अनियन और लहसुन जो भी है नहीं खाती हूँ। किस लिए नहीं खाते मैं बताती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं लहसुन तो नहीं, बट जो ऑनियन यानी कि अनियन और प्याज जो बोलते हैं हिंदी में, वो मैं खाती हूँ। क्यों खाती हूँ, क्योंकि मेरी सास जो है वो नहीं खाती है, मेरी मॉम इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे पापा और मेरी मम्मी ये नहीं खाते हैं, मेरी दादी नहीं खाती, मतलब जैन लोगों में जो लोग पुराने लोग हैं, मतलब हमसे एजियट और हमसे लोग हैं, आज की जनरेशन के जो हम लोग हैं और हमारे बच्चे हैं, वो तो खाएंगे ही कहेंगे क्योंकि बाहर कभी शुद्ध नहीं होता। वो लोग पुराने टाइप के हैं, मेरी मम्मी भी हैं, वो तो उन्होंने बचपन से देखा कि उनके घर में प्याज नहीं खाया जाता तो वो भी नहीं खाती हैं, तो मेरे घर में भी नहीं खाया जाता था, यहाँ पे भी नहीं खाया जाता। और प्रियंका भी, मुझे एक ने बोला कि प्रियंका भी तो जैन है तो वो कैसे खा लेती है, प्रियंका अपनी फैमिली से जॉइंट फैमिली में नहीं रहती है, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, एक ही किचन है, मेरी सास ससुर नहीं खाते हैं तो हम किचन में प्याज नहीं बना सकते, उनका धर्म अपने लिए, उनका धर्म व्यस्त नहीं कर सकते हैं। मेरी दादी आलू नहीं खाती है, जमीन में गड़ी हुई सब्जियां नहीं खाती है, मेरे जो जमीन के अंदर से जैसे आलू खोद के निकाले जाते हैं, शकरकंदी खोद के निकाली जाती हैं, गाजर मूली तो ये चीज़ें मेरी दादी भी नहीं खाती है, मेरी नानी भी नहीं खाती हैं, मेरी मम्मी लहसुन प्याज बैगन तक नहीं खाती है, मेरे यहाँ पे बैगन बनता है लेकिन वहाँ पे बैगन भी नहीं खाते हैं, मेरी दादी गोभी नहीं खाती है, पत्ता फूल गोभी जो आता है, तो बहुत सारी चीज़ें वो लोग नहीं खाते हैं, तो वो धर्म ध्यान जो ज़्यादा करते हैं वो लोग नहीं खाते हैं। मेरी मम्मी और मेरी मॉम इन लॉ ने बचपन से देखा है तो उनके यहाँ नहीं खाया जाता था, तो वो भी अपने घरों में नहीं खाते हैं, जैसे कि मेरी माँ वहाँ नहीं खाती, मेरे पापा नहीं खाते, मेरे वहाँ घर में भी प्याज लहसुन नहीं आता और यहाँ घर में भी नहीं आता। लेकिन अगर मैं अलग रही भविष्य में, जैसे मैं छोटा पड़ गया रूम, हमने घर चेंज किया, अलग मतलब ऐसे अलग नहीं, फैमिली से अलग नहीं, मतलब हमें रूम छोटा पड़ रहा है तो अगर हमने कहीं घर ले लिया, जब मैं अगर जॉइंट फैमिली में नहीं रही आगे तो मैं प्याज खा सकती हूँ, ऐसा नहीं आप बोलोगे कि अलग रहने लगी तो खाने लगी, ऐसा नहीं, मैं अलग रही मैं बाहर खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, मैं खा लेती हूँ, मेरे देवर खा लेते हैं, हम लोग आज क्योंकि बाहर बिना इतना शुद्ध नहीं मिलता खाने को, और हम लोग तो इतने वो नहीं है धर्म ध्यान करने वाले, कि मैं तो नहीं हूँ इतना धर्म ध्यान नहीं कर सकते कि हम जैसे अपने मॉम डैड जैसे, मॉम इन लॉ और नानी दादा जैसे, हम नहीं कर सकते धर्मधन जैसे वो लोग कर सकते हैं पालन, तो इसलिए हम लोग नहीं कर सकते और हम लोग खा लेते हैं। तो जैसे जब भी मैं अगर अपना, हम लोगों ने कभी दूसरा घर लिया, मैंने कहीं और रही मैं अगर, तो मैं खाऊंगी, इसमें नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं, मेरी सास, मतलब ये नहीं है कि मेरी सास है तो उनका धर्म भ्रष्ट होगा, यहाँ उनका धर्म भ्रष्ट, हम अपने खाने के पीछे उनका धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, बोलना तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ भी नया करने जाऊँ, कुछ भी, मैंने देखा है ये जो हेटर है ना, उनको अपनी टांग बीच में जरूर घुसेड़नी है, इन लोगों को अपनी टांग बीच में ज़रूर घुसेड़नी है, क्योंकि ये लोगों को पछता नहीं है। पर ये लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा बोल बोल के मैं इनके ऊपर वीडियो करूँगी, अब मैंने ऐसा छोड़ दिया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली, अब मैं जैसे ही अपना काम करती हूँ वैसे ही करूँगी, और मुझे बहुत सारे लोग बोले जा रहे हैं कढ़ाई गंदी है, कढ़ाई गंदी है।
लोहे की कढ़ाई है भाई, लोहे की कढ़ाई काली ही आती है और बहुत मुश्किलों से साफ होती है। आप लोगों के घर में भी होगी लोहे की कढ़ाई, जरा देखिए। ठीक है, लोहे लोया काला ही होता है, सफेद लोया नहीं होता है। ठीक है, तो लोहे की कढ़ाइयाँ ऐसी ही होती हैं। और मैं जो रेसिपी बनाई थी, मतलब अभी जो आप लोगों ने देखी है, वो रेसिपी आपका अगर मन है तो ट्राई कीजिए, वरना मत कीजिए। मैंने क्योंकि मैं इसलिए अभी ये बोल रही हूँ कि फिर आप बोलोगे आपको नहीं आता, हमें सजेस्ट कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं कर रही। एक बार को मैंने सोचा था कि मैं बोल दूँ, तो मैंने बोला भी कि आप लोग अगर अच्छी है, मैं आप लोगों को टिप्स दे रही हूँ, कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तो बना लीजिए। पर अब मैं आप लोगों को टिप्स नहीं दे रही हूँ, आप लोगों का मर्जी, आप कीजिए नहीं। और मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगी अपनी वीडियोज़ में कि आप ये ट्राई कीजिए। हाँ, बस इतना बोल सकती हूँ ट्राई कीजिए, ये नहीं बोलूँगी, करिए ही करिए, आपका मन है करिए, अच्छा लगे तो ट्राई कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए। बस यही है। और नेगेटिव हेटर्स जो है उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगी, आप कितना भी कोशिश कर लो मुझे अब नहीं गिरा पाओगे, अब मैं नहीं गिरूंगी, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं करूंगी, जो बोलना है बोलिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का काम है बोलने का। मैं आप लोगों के ऊपर बेकार में अपना टाइम वेस्ट करके आप लोगों के ऊपर वीडियो करती हूँ, आप लोगों ने कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप न्यू टॉपिक लेके मुझे कमेंट करोगे, तो अब नहीं मुझे कुछ करना है। ठीक है, सो गाइज, अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो तो आप लोग अच्छी तरह से करते हो। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।